हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट है, टोटल पोस्ट 3446 रहेगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तहत ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट तो आपने देख लिया 3446 है। कैटेगरी वाइज अगर बात करूँ तो जनरल के लिए 1813 पोस्ट है, EWS के लिए 344, OBC के लिए 629, SC कैंडिडेट के लिए 509 सीट है, ST के लिए 151। ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं 3446 सीट रहेगा। तो अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो आप, तो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ फॉलो कर लीजिए और डाउनलोड करके नोटिफिकेशन थॉरो आउट अच्छे से रीड करना है। अप्लाई करने की डेट की अगर बात रही ना, तो 1 मई से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट 31 मई रहेगा। 31 मई तक इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अगर आप इलिजिबल हो अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्म फी की बात करूँ तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से मात्र ₹25 फॉर्म की चार्ज ली जाएगी। यूपी की जो भी वैकेंसी होती है उसकी सबसे खास बात ये होती है ना कि स्टूडेंट से ना फॉर्म फी बहुत कम लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, एज की लिमिट किस डेट से कैलकुलेट होगी। एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 to 40 years के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ओबीसी एससी एसटी को 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट इलिजिबिलिटी क्या क्या इसमें रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एससी का PET एग्जाम दिए थे 2023 में, स्कोर कार्ड है जिनके पास, वो सब इलिजिबल रहेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट आई है ना, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आई है। तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री के आपके पास बैचलर डिग्री है, या फिर आपने BTEC किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो आप इलिजिबल रहोगे। तो चलिए अब इसके रिगार्डिंग हमने सारी बेसिक डिटेल तो समझ ली है, आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं विस्तार में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। पहले स्टेज पर आपका एग्जाम होगा रिटन, सेकेंड आपका DV होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेंस एग्जाम। आप सोच रहे होंगे कि प्री एग्जाम तो हुआ नहीं, डायरेक्ट मेंस एग्जाम कैसे हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो आपका PET का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो पहले ही कंडक्ट करा लिया जाता है। तो इसके लिए ही आपका PET का स्कोर कार्ड मांगा जाता है। डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसको क्वालिफाई करते ही DV यानी आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, वेरीफाई होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम की क्या पैटर्न रहेगी। ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड से OMR सीट पर एग्जाम होता है। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, टाइम रहता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब सब्जेक्ट वाइज बताते चलूं, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज सामान्य आपका जो अध्ययन होता है, देखिए यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल GK तो रहेगा ही, साथ ही साथ इंडिया एंड वर्ल्ड से आपका जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा वो सभी रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फिर आपका जनरल साइंस और मैथ्स को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, लास्टली जनरल हिंदी से आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। जिसको क्वालिफाई करोगे तो सिंपल सा एक DV होगा, देन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर यूपी में ही रहेगा और सर्विस तो आपका यूपी के ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। सैलरी की अगर बात करें तो
तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,500 रुपीज होती है। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपको पता है टेक्निकल असिस्टेंट एक अच्छी प्रोफाइल होती है, रिप्यूटेड पोस्ट होती है, तो उसमें सैलरी आपकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है। बाद में आपकी सैलरी 81,100 रुपीज, मतलब 81,100 रुपए आपका सैलरी हो जाता है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चे इलिजिबल है सभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आई होप इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।